फराज तहसीन पेश करना चाहता हूं कि वो जब जब भी उनको कॉल की गई, जब जब भी खान साहब ने उसको पुकारा, हर वक्त हर जगह हर सूरत हाल में वो उस जगह पहुंचे जहां उसको कॉल दी गई। आप मुबारकबाद के और फराज तहसीन के मुस्तहिक थे। तमाम दोस्तों ने बात की, मैं सिर्फ इस हवाले से बात करूंगा कि जिस तरीके से आवाम ने, कराची के आवाम ने तरीके इंसाफ के नुमाइंदों को, इमरान खान के आखी के नुमाइंदों को जिस तरीके से वोट किया, अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसकी वोट की हिफाजत के लिए हर फोरम पे जाएं। जिस तरह हमारे आगे दोस्तों ने कहा कि हमने पिटीशन फाइल की है, हम आगे भी जा रहे हैं। मैं जो जाली असेंबली में बैठे हुए लोग हैं उनको चैलेंज करता हूँ कि आ जाए, आवाम के दरमियान आ जाए, मस्जिदों में चले जाओ, मार्केटों में चले जाओ, गली मोहल्ले में चले जाओ, अपने लोगों के पास चले जाओ। वो आपको दुत्कारेंगे, आपको गालियां देंगे, आपको आपको वेलकम नहीं करेंगे बल्कि आपको लानत मनामत करेंगे। जबकि दूसरी तरफ हम तहरीक इंसाफ के जो कारकुन किसी भी जगह जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लोग हमें हकीकी नुमाइंदे कहते हैं, हमें एमएनए और एमपी का खिताब देते हैं। ये इसलिए देते हैं कि हम उस खिलाड़ी के खिलाड़ी हैं, अब उस खान साहब के नुमाइंदे हैं जो किसी भी सूरत में झुका नहीं। और सबको ये मालूम है कि जो अवाम ने जिसको मैंडेट दिया वो आके अगी के नुमाइंदे हैं। शर्म नहीं आती उनको, 99 अल्लाह के नामों के नीचे उन्होंने हलफ लिया। किस बात का हलफ लिया कि हम आपकी नुमाइंदगी कर रहे हैं? लानत है ऐसे लोगों पर, उनको कुछ भी जो है ना शर्म ही नहीं आती। मैं आपको बताऊं, ये हम जितनी भी जद्दोजहद कर रहे हैं, ये अब आपकी ड्यूटी है कि लोगों को ये बताएं कि हम हर फोरम पे, हर जगह, हर गली, हर कूचे में इन चोरों का, इन लुटेरों का, इस मैंडेट पे जो डाका डाला है इनका पीछा करेंगे। इसको किसी भी सूरत में अवाम का जो हुकूक, जो अवाम ने जो हुकूक का तहफ़ ये हमारी जिम्मेदारी है, उन्होंने जो चोरी की है इंशाल्लाह हम उसको ये चोरी हजम नहीं करने देंगे। अब मैं आखिर में यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा नारा है कि अवामी हुकूक पे डाका ना मंजूर, अवामी हुकूक पे डाका ना मंजूर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सुजात।